वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो ऑन next.js। अब next.js को समझने से पहले हमें कुछ फाउंडेशनल टॉपिक समझने ज़रूरी है, तो ये फोर टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला टॉपिक हम देखेंगे कि ब्राउज़र HTML कोड को किस तरीके से देखता है। ठीक है, जब भी हम HTML कोड रन करते हैं और ब्राउज़र में हम वेबसाइट को देखते हैं तो ब्राउज़र एग्जैक्टली उसको किस तरीके से देखता है, तो वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे कि डॉम को जावास्क्रिप्ट से कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, यानी जावास्क्रिप्ट कोड से मैं HTML के UI एलिमेंट्स को ऐड या डिलीट कर सकता हूँ, तो ये किस तरीके से किया जाता है, ये भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड टॉपिक जो आज हम देखेंगे वो है जावास्क्रिप्ट से हम React में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, और फाइनल फोर्थ टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है React से Next.js पे कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट से React और React से Next.js की ये जो जर्नी है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए रहने वाला है। और सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, अब टॉपिक वन देखते हैं कि ब्राउज़र HTML कोड को किस तरीके से देखता है। तो ये एक HTML कोड हमारे सामने है, इसको ब्राउज़र किस तरीके से देखता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग प्रिंट की है H1, उसके नीचे मैंने div के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है जिसमें मैंने एंगुलर ट्यूटोरियल और फ्लटर ट्यूटोरियल प्रिंट किया है। ठीक है, अब जो इसका डॉम रिप्रेजेंटेशन है, यानी ब्राउज़र इस HTML कोड को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देखता है। ठीक है, जैसे HTML इसका पेरेंट है और उस HTML के पेरेंट में बॉडी एक चाइल्ड है। ठीक है, उस बॉडी के अंदर चाइल्ड है H1 टैग जो हमारा कोडिफाई का था। ठीक है, H1 और इसी बॉडी टैग में div भी एक चाइल्ड है जिस div के अंदर हमने UL और LI लिखे थे, राइट। अब उस div के अंदर जो चाइल्ड है वो है UL और उस UL के अंदर जो चाइल्ड है वो है 2 LIs। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ना पूरा एक डॉम रिप्रेजेंटेशन, जिसको मैं बोलूँगा ट्री रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हमारा जो ब्राउज़र है ना, क्रोम ब्राउज़र हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र आप ले लीजिए, वो हमारे HTML कोड को इस तरीके से देखता है। ठीक है, अब हमें ये तो समझ गया कि हमारा जो ब्राउज़र है वो कोई भी वेबसाइट हो, जैसे फेसबुक नाम की वेबसाइट है, तो फेसबुक वेबसाइट में जो भी आप वेब पेज पे देखते हैं ना, जैसे स्टेटस का वो टेक्स्ट बॉक्स, उसके नीचे जो लिस्ट आती है, ये सारी चीज़ें ब्राउज़र उसको एक डॉम रिप्रेजेंटेशन में ही देखता है। अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इस डॉम को कैसे अपडेट कर सकते हैं। डॉम मतलब जो भी UI है, UI एलिमेंट्स है, जैसे H1, div टैग, ये हम जावास्क्रिप्ट कोड से कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक HTML का टेम्पलेट है जिसमें HTML और बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर मैं कुछ जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट्स ऐड करूँगा, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, एक div ले लिया और उसको मैंने ID दे दिया हेडर। ठीक है, इस div के अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट टैग ऐड किया और उसके अंदर लिखा document.getElementById और ID में मैंने उस div जो हेडर वहाँ पे था वो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, getElementById से मुझे ऊपर का रेफरेंस मिल गया जो div का है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट किया जिसमें मैंने बोला H1 नाम का टैग मुझे क्रिएट करना है और उसको हमें ऐड करना है उस div में जिसकी ID हेडर है। ठीक है, तो कुछ कोड आप देख सकते हैं, जैसे क्रिएट एलिमेंट से मैंने एक H1 टैग क्रिएट किया, अब document.createText नोड से मैंने एक टेक्स्ट क्रिएट किया जिसमें मैंने बोला जावास्क्रिप्ट टू रिएक्ट। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट नोड क्रिएट हुआ इसको मुझे अपेंड करना होगा किससे, H1 में। ठीक है, फिर उस H1 को अपेंड करना होगा मुझे उस div में। ठीक है, तो इस तरीके से एक हायरार्की मैंने यहाँ पे मेंटेन किए। अगर आप जावास्क्रिप्ट पहले से ही लिखते हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज ज़रूर होगा, बट ये बिगिनर्स के लिए भी मैं कवर कर दे रहा हूँ टॉपिक, ताकि उन्हें भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो फाइनल जावास्क्रिप्ट कोड जिसमें हमने पहले div की ID ली, उसके अंदर हमने एलिमेंट क्रिएट किया H1 और उसमें टेक्स्ट नोड क्रिएट किया और टेक्स्ट नोड को H1 में अपेंड किया और फाइनल H1 को हमने div में अपेंड कर दिया। तो इस तरीके से आप जब इसको रन करेंगे तो आप ब्राउज़र में देखेंगे कि हेडिंग वहाँ पे एक प्रिंट हो गई जिसमें जावास्क्रिप्ट टू रिएक्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट से हम डॉम का जो UI है HTML को हमने मैनेज किया जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, अब ये जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, इसको हम बोलते हैं इंपरेटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी शेफ को मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिया कि मैगी कैसे क्रिएट करो। अब ये होता है एक इंपरेटिव प्रोग्रामिंग और दूसरा अप्रोच होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, जिसमें मैंने सिर्फ शेफ को बोला कि मुझे मैगी दो। ठीक है, अब उसके अंदर जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो उसका मैटर है, अब वो शेफ खुद से ही अपना जो भी स्टेप्स रहेंगे मैगी बनाने के वो फॉलो करके मुझे सिर्फ मैगी परोस के देगा। ठीक है, ये होता है डिक्लेरेटिव अप्रोच।
और यही अप्रोच फॉलो करता है रिएक्ट। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक पे, जिसमें जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट पे कैसे आए। ठीक है, रिएक्ट यूजेस डिक्लेरेटिव यूआई लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने बताया कि रिएक्ट में हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक कमांड देनी है कि बस हमें मैगी चाहिए। ठीक है, वैसे ही हम इसको एक कमांड देते हैं कि यूआई बना दो। अब वो कैसे बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, वो उसका मैटर है। ठीक है, तो अब रिएक्ट को यूज़ करने के लिए आपको दो लाइब्रेरीज लगती है, जिसका नाम है रिएक्ट और रिएक्ट डोम। ये आप डायरेक्टली unpackage.com से एक लाइब्रेरी रहती है स्क्रिप्ट, ये दो स्क्रिप्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने HTML फाइल में। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग जो मैंने लिखा है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखा जिसमें मैंने लिखा react.render और वहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया जावास्क्रिप्ट टू रिएक्ट, कॉमा देके मैंने बस ऐप की आईडी दे दी जहाँ पे वो डेव है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अगर आप प्रीवियस कोड अगर आप कंपेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें हमने पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी क्रिएट किया। ठीक है, फिर वहाँ से H1 क्रिएट किया, फिर टेक्स्ट नोट क्रिएट किया, फिर उसमें अपेंड किया दोनों चीज़ों को, राइट। ये पूरा कोड हमने जावास्क्रिप्ट में लिखे थे। अब वही कोड को अगर आप कंपेयर करेंगे रिएक्ट में, स्क्रिप्ट टैग में जो यहाँ मोर देन 5 लाइंस थी, वो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 लाइन में काम हो गया। ठीक है, तो रेंडर वहाँ पे डायरेक्ट हो गया, हमने सिर्फ उसको कमांड दे दी कि हमें H1 प्रिंट करना है, किसके अंदर, ऊपर जो एक डिव है जिसकी आईडी हेडर है, तो वो यहाँ पे बस हमने कमांड दे दी और उसने ऑटोमेटिक रेंडर कर दिया। ये है पावर रिएक्ट फ्रेमवर्क का। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। जैसे इसमें हमने react.render में H1 टैग लिख दिया, तो हम ये भूल गए कि जावास्क्रिप्ट में हम HTML नहीं लिख सकते, राइट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट XML का, JSX। अब JSX में क्या होता है कि बेबल नाम का एक कंपाइलर है, जिसकी मदद से हम HTML कोड भी जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। वो ऑटोमेटिक उसको कंपाइल करके ट्रांसफॉर्म कर देता है, राइट। जैसे मैंने H1 लिखा ना, तो यहाँ पे वो यहाँ पे जैसे मैंने H1 लिखा, तो ये H1 HTML हो गया, इसको कन्वर्ट करना होगा जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेबल कंपाइलर। अब बेबल कंपाइलर यूज़ करने के लिए आपको बस एक स्क्रिप्ट ऐड करनी होती है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये स्क्रिप्ट ऐड करके आप ऑटोमेटिक बेबल कंपाइलर अपने HTML में इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे लगती है, जैसे स्क्रिप्ट में टाइप हम टाइप स्क्रिप्ट देते हैं, यहाँ पे आपको JSX देना होगा। जब ब्राउजर इस कोड को रीड करे तो उसे पता रहे यार यहाँ पे JSX है, मतलब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट XML यूज़ किया गया है, तो H1 को वो एरर नहीं देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और रेंडर कर देगा हेडिंग टैग हमारे डिव के अंदर, जिसकी आईडी हेडर है। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट कोड और ये है हमारा रिएक्ट कोड। तो आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ गया होगा कि रिएक्ट में आप क्या चीज़ें पावरफुली कर सकते हैं। अब रिएक्ट के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने होंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने यहाँ पे निकाले हैं, जो है 3 चीज़ें। एक होता है कंपोनेंट्स, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज़ और थर्ड स्टेट्स। ठीक है, यही चीज़ें हमको next.js में बहुत काम आने वाली है, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो भी हम HTML पेज में हम देखते हैं, जैसे ऊपर हेडर है तो हम रिएक्ट में उसको कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, हेडर कंपोनेंट, यहाँ पे नीचे नेविगेशंस रहते हैं साइड बार के, राइट, तो इसको हम बोलेंगे साइड बार कंपोनेंट। यहाँ पे मेन पेज कंपोनेंट, जहाँ पे हम मेन ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब रिएक्ट में कंपोनेंट्स मतलब उसको कैसे कोड में कैसे लिखा जाता है, तो वो बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, राइट। जैसे हम स्क्रिप्ट में या जावास्क्रिप्ट में कैसे हम फंक्शंस लिखते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन हेडर क्रिएट किया है, बट यहाँ पे आपको एक नोटिस किया होगा कि H मैंने कैपिटल लिखा है। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट का नेम हम लिखते हैं ना फंक्शन के अंदर, वो कैपिटल ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देता है। अब देख सकते हैं आप, जैसे मैंने render.dom लिखा, तो डॉम के अंदर मैंने हेडर फंक्शन कॉल कर दिया डायरेक्टली। तो ये होता है कंपोनेंट को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और जो फंक्शन हेडर है उसके अंदर मैंने रिटर्न कर दिया अपना HTML जो भी मुझे वहाँ पे प्रिंट करना था, राइट, H1 टैग और उसमें जावास्क्रिप्ट टू रिएक्ट। इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। आप कंपोनेंट को render.dom में HTML की तरह भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक HTML टैग लिखा, उसमें हेडर और इसको क्लोजिंग ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, तो इस तरीके से भी आप कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं रिएक्ट में। अब नेस्टिंग कंपोनेंट्स, अब एक कंपोनेंट के अंदर हम, अब ये तो है कि सिर्फ हेडिंग तो नहीं रहेगा हमारे वेबसाइट पे, राइट, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें रहेंगी, तो हम क्या करेंगे, नेस्टिंग कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, जिसमें क्या होता है एक कंपोनेंट के अंदर हम दूसरा कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे render.dom में मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट दे दिया। अब क्या होगा, जैसे डैशबोर्ड भी एक कंपोनेंट हो गया और मैंने उसके अंदर एक डिव लिया और हेडर ले लिया, ठीक है, अभी जो हेडर है ये खुद में एक कंपोनेंट है। अब उस हेडर के अंदर क्या है, हमने रिटर्न किया हेडिंग,
ठीक है। तो ये आप इसको फंक्शंस की तरह भी देख सकते हैं, नेस्टेड फंक्शंस, जिसमें हम एक के अंदर एक चीज़ें पास कर रहे हैं और जैसे ही हेडर वहाँ से रिटर्न करेगा कुछ, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा डैशबोर्ड के अंदर। तो इस तरीके से आप नेस्टेड कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट फ्रेमवर्क में। अब आते हैं रिएक्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब रिएक्ट प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, जैसे अब हेडिंग है, अब जैसे डैशबोर्ड के अंदर मैंने रिटर्न किया डिव और उस डिव के अंदर मैंने दो हेडर कंपोनेंट लिखे, ठीक है। अब हेडर में तो एक ही हेडिंग है पर मुझे मल्टीपल हेडिंग्स चाहिए, तो जैसे फर्स्ट हेडिंग दूसरी होनी चाहिए, जो सेकंड हेडिंग है वो दूसरी होनी चाहिए, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? तो उसके लिए हम बस एक प्रॉपर्टी पास करते हैं, जैसे हमने हेडर के अंदर टाइटल पास कर दिया रिएक्ट। अब ये जो है कैच करेगा हेडर कंपोनेंट एक आर्ग्यूमेंट की तरह, जैसे हम फंक्शंस में उसको लेते हैं, राइट। जैसे फंक्शन हेडर में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर वो ऑब्जेक्ट आ चुका जो ऊपर से पास हुआ। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज डॉट नोटेशन से जो भी टाइटल है, जैसे यहाँ पे नेम दिया मैंने, तो टाइटल यूज करके आप ऊपर का जो भी डेटा है वो ले सकते हैं फंक्शन के अंदर। दूसरा तरीका होता है, जैसे ऊपर से मैंने हेडर के अंदर टाइटल पास किया, तो उसको अगर आप नीचे कंपोनेंट में एक्सेप्ट करेंगे तो हेडर के अंदर आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में भी टाइटल ले सकते हैं, राइट। थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है रिएक्ट स्टेट्स। अब जैसे कोई बटन मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने क्लिक किया, तो वो क्लिक करने पे कैसे उसको स्टेट को मेंटेन करता है, ये सारी चीज़ें होती है रिएक्ट स्टेट्स में। अब जैसे डैशबोर्ड फंक्शन में मैंने रिटर्न किया एक बटन, ठीक है, सब्सक्राइब बटन। अब इस सब्सक्राइब बटन को आप जब क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक इवेंट कॉल होगा। अब ऑन क्लिक इवेंट पे कुछ मुझे पास करना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने पास किया सब्सक्राइब नाउ फंक्शन, सब्सक्राइब नाउ, और नीचे मैंने उसको क्रिएट कर दिया और वहाँ पे प्रिंट किया सब्सक्राइब, ठीक है। अब यहाँ पे आप काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं यूज स्टेट नाम के मेथड से। तो उससे क्या होता है कि आप इनिशियल काउंटर आप जीरो रख सकते हैं उसमें, और जैसे ही काउंट क्लिक होगा तो आप उसमें एक सेट स्टेट नाम का रहता है, उससे आप उसको मेंटेन कर सकते हैं स्टेट्स को, काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं सब्सक्राइबर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक ओवरव्यू लग गया होगा कि रिएक्ट कैसे काम करता है, उसमें कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज किस तरीके से क्रिएट की जाती है। कंपोनेंट्स बेसिकली एक फंक्शन की तरह ही देखा जाता है, और जैसे हम फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसको नेस्टेड कंपोनेंट्स, यानी एक के अंदर एक कंपोनेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें होती है रिएक्ट फ्रेमवर्क में। तीन लाइब्रेरीज ऐड की, रिएक्ट, रिएक्ट डोम और एक बैबल कंपाइलर, ठीक है। फिर हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया जिसको हमने रेंडर डॉट डॉम से प्रिंट किया। तो ये पूरा कोड यहाँ पे रिएक्ट का आप देख सकते हैं। अब पहले जैसे हमने देखे कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा कोड था स्क्रिप्ट के अंदर, फिर रिएक्ट में वो दो लाइंस में चेंज हो गया, जैसे रिएक्ट डॉट रेंडर ने उसको पूरा चेंज कर दिया गेम को, ठीक है। अब इतना बड़ा जो ये कोड लिखा है रिएक्ट में, इसका भी शॉर्टर वर्जन होता है नेक्स्ट डॉट जेएस में। अब इसमें जो ये लाइब्रेरीज मैंने लिखी है ना, जैसे रिएक्ट डोम, रिएक्ट की लाइब्रेरी रिएक्ट डोम, जो ऊपर हमने स्क्रिप्ट्स में ऐड किया है, बैबल कंपाइलर और जो HTML बॉडी, ये सारी चीज़ें है ना शॉर्ट कर देता है next.js, जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती है। तो वही टॉपिक आता है फोर्थ हमारा, जहाँ पे रिएक्ट से next.js में कैसे हम ट्रांसफ़र हो सके। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप डिलीट कर सकते हैं जो रिएक्ट कोड था। तो पहली चीज़ है लाइब्रेरीज जो मैंने आपको बताया, सेकेंड चीज़ है HTML बॉडी टैग्स जो वो रिएक्ट जो next.js ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। थर्ड पॉइंट जो है react.render, ये भी ऑटोमेटिक हैंडल हो जाता है next.js में। और जो स्क्रिप्ट टैग था जिसमें हमने टाइप JSX लिखा था, ये भी आप रिमूव कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, next.js को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम फर्स्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड, वो आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से आप next.js ऐप को क्रिएट कर सकते हैं इजीली और रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकली next.js ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को आपको ओपन करना है, ठीक है। न्यू विंडो में हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, जैसे मैंने उसको बोला next.js, ठीक है। इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब हमारा next.js का ऐप ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कमांड आपको लिखनी होती है, ठीक है। ये एक स्टार्टर कमांड है जिसमें next.js का ऐप हमें हमारे लिए कॉन्फ़िगर हो जाता है और जो भी सेटअप लगते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो मैं इसको एज अ सूडो रन करूँगा, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं एज अ सूडो, और इस कमांड को रन करेंगे, ठीक है। पासवर्ड आप ऐड कर देंगे। इसमें मैं next.js ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक ब्लॉग हम क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कैसे next.js का ऐप दिखता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें वो लगती है
Next.js को बनने में वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ऐप क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे लगती है package.json और इसमें जो भी स्क्रिप्ट्स हमें लगती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, जो हम लाइब्रेरीज हमने रिएक्ट में ऐड किए थे ना ऊपर स्क्रिप्ट टैग में, आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो यहाँ पे कमांड्स दी हुई है, जैसे cd next.js block, उस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और उसको हम सीधा रन कर देंगे। ठीक है, npm run dev, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, नेक्स्ट डेव और बिल्ड करने के लिए ये बिल्ड, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसको यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला ऐप है जो है हमारा next.js का। इस पेजेस के अंदर index.js है, राइट, यहाँ पे है वेलकम टू next.js। तो इसको यहाँ पे हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल लिखा, यहाँ पे मैंने ये ऐड किया। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो रहा है। तो इसमें next.js को नाम दिया है फास्ट रिफ़्रेश, वैसे ही फ्लटर में इसको हॉट रीलोड फीचर बोलते हैं, राइट। वेलकम टू next.js ट्यूटोरियल। अब जो भी बेसिक कमांड्स आपको लगती है वो आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी ये ड्रॉप कर दूंगा जहाँ से आप ये कमांड ले सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प किया होगा ये चीज़ें समझने में कि जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट में और रिएक्ट से next.js में कैसे हम शिफ्ट हो सकते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस है इन तीनों चीज़ों में। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पहला next.js पर एक ऐप क्रिएट करेंगे और देखेंगे उसके डीपर कॉन्सेप्ट्स और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं next.js में। तो इस next.js सीरीज़ पे बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट लेने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।